आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑयल रिच कंट्री कतर के बारे में। कतर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जीडीपी देने वाला कंट्री है। विश्व के भूगोल में कतर देश का एक अलग ही स्थान है। इस देश की कई और भी ऐसी बातें हैं जो इस देश को अन्य देशों से अलग करती है, जैसे कि भाषा, रहन सहन, वेशभूषा, संस्कृति, धर्म या फिर व्यवसाय हो। तो आइए न जानते हैं कतर देश से जुड़े कुछ ऐसे ही अनोखे और अद्भुत फैक्ट्स के बारे में, जिसे जानकर आपका भी ज्ञान बढ़ेगा। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि वीडियो शुरू करूं, नीचे दिए गए रेड कलर के बटन को दबाकर आप हमारे चैनल द फैक्टो हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए ना, और साथ में जो घंटी है ना उसे भी दबा देना। नंबर वन, कतर एक युवा आबादी वाला कंट्री है जहां पुरुषों की संख्या ज्यादा है और यहां 1.5% आबादी ही 65 की उम्र से ज्यादा के हैं। तो वहीं अदर कंट्रीज से आने वाले वर्कर्स की वजह से यहां महिलाओं की तुलना में पुरुषों की पॉपुलेशन ज्यादा है। नंबर टू, कतर में महिलाओं के लिए कोई खास फ्रीडम नहीं है। यहां महिलाओं को ड्राइविंग की आजादी जरूर है, लेकिन बाकी मामलों में सऊदी अरब जैसे ही हालात है। महिलाओं को पारंपरिक पहनावे में ही रहना होता है। नंबर थ्री, कतर में बर्गर खरीदने से कई गुना सस्ता तो गाड़ी में पेट्रोल भरवाना है। यहाँ एक बर्गर की कीमत 300 रुपए है, जबकि यहाँ एक लीटर पेट्रोल की कीमत महज 16 रुपए है। नंबर फोर, कतर एयरवेज में हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को साल 2014 में खोला गया था। हर साल लगभग 50 लाख यात्री इस एयरपोर्ट से गुजरते हैं। नंबर फाइव, कतर 2022 में आयोजित होने वाले अगले फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा। कतर के लोग कई और भी खेलों का आनंद लेते हैं। नंबर सिक्स, कतर फूड इंडियन और ईरानी व्यंजनों से प्रभावित होता है। कतर के विशेष व्यंजनों में घूसी, मोटेबल, बिरयानी और हुमस शामिल है। नंबर सेवन, कतर कंट्री में घूमना या पुरुष पर्यटकों को वेट्स और शॉर्ट्स पहनना बिल्कुल ही मना है। वहीं महिला पर्यटकों को भी शॉर्ट स्लीव ड्रेस पहनना या मिनी स्कर्ट पहनना बिल्कुल ही मना है। नंबर एट, कतर में टॉपलेस होकर धूप सेकने की भी अनुमति नहीं है। तैराक और धूप सेकने वालों को यहाँ अपने कपड़ों के ऊपर एक लंबी टी शर्ट पहनने को प्रोत्साहित किया जाता है। नंबर नाइन, छोटे से गाँव अल ठकीरा कई असमान मछलियों और समुद्री सैंडल का एक घर है। नेचर लवर्स के लिए यह बहुत ही पसंदीदा जगह है। अल ठकीरा नेचर रिजर्व को व्यापक रूप से एक राष्ट्रीय खजाना माना जाता है। नंबर टेन, कतर स्टेट साल 1959 तक ग्रेट ब्रिटेन द्वारा संरक्षित था। जब यह साल 1971 में स्वतंत्र हुआ, तब क्राउन प्रिंस ने प्रेस की स्वतंत्रता घोषित की और महिलाओं को वोट देने की अनुमति दी थी। नंबर 11, कतर एरिया में अमेरिका के एक छोटे शहर से भी छोटा है, पर दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा नेचुरल ऑयल रिजर्व इसी देश में मौजूद है। वाह, क्या बात है। नंबर 12, कतर की साक्षरता दर 97.3% है, जो कि वाकई में तारीफ योग बातें हैं, और हमें भी इस देश से शिक्षा के महत्व को समझना चाहिए। नंबर 13, अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो कतर 11,586 वर्ग किलोमीटर के साथ दुनिया के सबसे बड़े देशों की लिस्ट में 164वें नंबर पर आता है। नंबर 14, कतर रिलीजन इस्लामिक है और 75% मुस्लिम आबादी वाली इस कंट्री में अल्कोहल भी बैन है। हालांकि कंट्री के कुछ होटल्स में इसे खरीदने का परमिट भी है। तो ये थे कुछ बेहद ही दिलचस्प फैक्ट्स। हाँ तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए ना, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए आगे फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।